ये गिफ्ट थाली ये मम्मी ने, इससे मुकेश मेरी फोटो है, हरियाणा में पांव दबाते हैं ऐसे। ये चूड़ियां शूड़ियां पहन के किचन में काम नहीं होता उस दिन, ऐसा पति भगवान सबको दे जैसे मुझे मिला है। नहीं पहले मैं आपको खिलाऊंगी ना, पहले पति देव को खिला देती। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का रेखा फैमिली ब्लॉग में वेलकम है और आप लोगों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी करवा चौथ, तो भगवान आप लोगों के जीवन में खूब सारी खुशियां लेके आए। और मैं रेडी हुई हूँ, मेरा जो ड्रेसअप है आप लोगों को मेरी ड्रेस भी बहुत अच्छी लगी होगी। और मुझे ये गिफ्ट थाली ये मम्मी ने, इससे मुकेश मेरी फोटो है, और ये पिल्लो है, और लोटे पे भी हमारी फोटो है छलनी पे, और ये मेरी थाली। और अब मैं पूजा करने जा रही हूँ और मम्मी जी ने जो गिफ्ट दिया है वो मैं आप लोगों को थोड़ी देर में दिखाऊंगी। ये मैंने पीलिया उड़ लिया है, कोई भी शुभ काम होता है तो इधर हरियाणा में पीलिया उड़ा जाता है ये, इसलिए मैंने पीली को कैरी किया है। और अब मैं लगाऊंगी ये सासू माँ को दिया जाता है करवा, इसको बोलते हैं मीठा करवा चीनी का, तो साथिया सबसे पहले लगते हैं। और फिर इस पे ये मैंने पकड़ना, एक बार गिर रहा है। बांध दिया है और अब फटाफट लोटे को भी सोना नहीं छोड़ती, कहा जाता है ये बांधना शुभ होता है, इसलिए मैं इसको भी अच्छे से बांध देती हूँ। और लोटे पे भी साथिया बना रही हूँ, ये हमारी फोटो है, फोटो की साइड में कर लेती हूँ साथिया। जो थाली है वो मैं रात को लूंगी, उसका दिखाती हूँ रात को कैसे पूजा की जाती है दिया वगैरह जला के। और अब थोड़े से चावल इसमें डाल लेते हैं, चावल में हल्दी डालते हैं, मैंने चावल लिए। और अब मम्मी जी कहानी सुनाएंगे, तो आप लोग भी मेरे साथ कहानी सुनना, थोड़ी सी सुन लेना, ज्यादा तो नहीं, मम्मी थोड़ी जोर से बोलो, सब सुनेंगे। एक साल का था, उसके साथ बेटे एक बेटी थी, बेटी अपने भाइयों की बहुत लाडली थी, उन्होंने आया करवा चौथ का व्रत, उन्होंने करवा चौथ का व्रत रखा। तो अब जैसे वही भाइयों की तो बहुत लाडली थी, सोचा बहन तो भूखी मरेगी, तो उन्होंने कहा कोई कुछ लाया, कोई मिठाई लाया, कोई समोसे लाया, कोई कचौरी, कोई कुछ कर लाया, मतलब सारी चीज़ें ले आए। और तो कहने लगे कि भाई बहन तेरे को तो भूख लग रही होगी, खा ले। बोली भाई यार, तो मैं ना चांद देख के करूँगी, अगर चांद अब निकल जाएगा तो अब खा लेंगे, हाँ चांद निकल गया तो मैं खा लूंगी। 4 बजे से उन्होंने देख रहा और वो अनेक वो कर दिया है। ये थोड़े से चावल जो है पकड़ना, ये रात को जल देते वक्त के लिए मैंने रख लिए हैं, और ये पीलिया ही रात को मैं ओढ़ूंगी, तो इसी के पल्लू पे मैंने बांध लिए हैं। और मैं कहानी हमेशा मम्मी से ही सुनती हूँ, ये मैंने पाले ताकि मेरे पास ही रहे ये चावल। अब मैं सूरज को जल देने जा रही हूँ। भगवान सूरज देवता सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। कहानी सुनने के बाद बड़े बुजुर्ग के पांव दबाए जाते हैं, वैसे आशीर्वाद मिलता है लेकिन पांव दबाने से और भी आशीर्वाद मिलता है।
हरियाणा में पांव दबाते हैं ऐसे ऐसे जोर जोर से, बच्चे लायक निकले खुश। ये मम्मी जी के लिए छोटा सा गिफ्ट, ये कितना अच्छा दे दिया इसने सब कुछ, कितना बढ़िया कर दिया है। भगवान सदा बनी रहे, सुख शांति दे, सुहाग बाग बना रहे इसका। जो मेरे पति जी ने ड्रेस दी है मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, घुमा के कैसी लग रही है वो। और अब मैं जा रही हूँ नीचे पार्क में, आप लोगों को दिखाती हूँ हम लोग कैसे मस्ती करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और डांस करते हैं पार्क। ये मैंने महावर लगाया, इसको आलता बोलते हैं। ये वैसे हरियाणा में नहीं यूपी बिहार में लगाया जाता है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है तो मैं हर फेस्टिवल पे ये लगाती हूँ। मैं ना अपनी मेहंदी के डिज़ाइन दिखा रहे हैं और सबकी मेहंदी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारी है। ऐसे ही अंदर अभी ऐसे अंदर बाहर करने आओ अभी अभी नहीं नहीं करेंगे नहीं नहीं दुल्हन आई है ना, थोड़ा टाइम लगता है तैयार होने में। अभी हम बाहर आए हैं क्योंकि रेडी होके ये चूड़ियां शूड़ियां पहन के किचन में काम नहीं होता। उस दिन स्पेशल पूरे दिन भूखा रहो फिर किचन में लगे रहो, तो मुकेश ने कहा चलो आज बाहर चलते हैं, बाहर डिनर करेंगे और यहीं मैं चांद को अर्घ दूंगी। बस मैं जा रही हूँ, आप पीछे देख रहे कितनी हरियाली है मेरे पीछे। चांद निकल गया है और मैं अर्घ देने आई हूँ। ये मेरी थाली है, अभी धीरे देखना धीरे धीरे अभी जोत जलाऊंगी मैं। चलने को दूर करो, छलनी दिखाओ शान मेरी अच्छे से। हवा चल रही है ज्यादा, थाली पकड़ो एक मिनट, पूरा पूरा सिस्टम पकड़ो। मैं अपना पीलिया ओढ़ लेती हूँ, कैसे क्या है ये। चावल बांधे थे इस पे, वो इस टाइम पूजा के टाइम जरूरत होती है तो इसलिए सबसे अच्छा है अपने ओढ़ने वाली चुनरी पे बांध लेना चाहिए उसको। ये चावल है, इधर आना चांद इधर है गलती खड़े हो गए थे चलने तो मुझे इतनी दूर नहीं, पास में आओ एक नहीं करो, लोटा रख लेते, इधर हवा तेज ज्यादा चल रही है ना आज के दिन, हवा ज्यादा तेज चलती है। पकड़ना थाली, मुकेश कभी मुझसे पाँव नहीं छुआते, हम गले ही लगते हैं। चांद चांद तो सभी देखते हैं, आज हम चांद नहीं देखेंगे। चांद भी देखते हुए 18 साल हो चुके हैं तो अभी हम चांद को रख देना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ चांद नहीं देखेंगे। डायरेक्शन मुझे भी चेंज करनी है ना, ऐसा पति भगवान सबको दे जैसे मुझे मिला है। आप भी करने लगे दोबारा, अब
चांद वर्क दे देते हैं। भगवान जैसी खुशियाँ मेरे जीवन में लेके आए हो आप, मैं दुआ यही करती हूँ हर किसी के जीवन में इतनी खुशियाँ हो और सबके जीवन में ये दिन हर बार आए, ऐसी मनोकामनाएं मैं और मेरा परिवार करते हैं। जय श्री राम। अभी हम डिनर करेंगे अंदर बाहर, मैंने आप लोगों से लेके शाम तक जब खाली पेट रहते हैं तो ज़्यादा खाना नहीं खाया जाता, मैंने सिर्फ दो मंचूरियन और थोड़े से राइस बस यही लिया। आज का दिन बहुत अच्छा गया है, भगवान करती हूँ मैं सबका दिन ऐसे ही अच्छा जाए। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, बहुत 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 सारा प्यार दें। और अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।